बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हफीजा कवल, बलोचिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले मैं शिखर लाइंस। सदर मुमलिकत ने कहा है कि पाक चाइना इक्तिसादी राहदारी के हवाले से गवादर खुसूसी अहमियत का हामिल है। गवर्नर बलोचिस्तान ने कहा कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की तकमील से ज़राअत को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान की तरफ से रजिस्ट्रेशन और तजदीदी फीस को 6 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर दाखिला की जानिब से क्वेटा समेत सूबे भर में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। सूबाई वज़ीर माल ने कहा कि हमारी सूबाई हुकूमत तमाम शोबों में बेहतरी लाने और असलाहत के लिए दिन रात कोशां है। सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर बलोचिस्तान को WHO इस्लामाबाद की टीम ने मकरान डिवीजन में कोरोना की सूरत हाल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। और पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान डायमंड जुबली क्वेटा ग्लैडिएटर्स वुमेन T20 क्रिकेट लीग 2021 के खिलाड़ियों के एजाज में पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया है। 4 साल अब्दुल कदीर को अगवाकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाकर रोड के किनारे पर फेंक दिया, बच्चा जहां भाग। अब खबर तफसील के साथ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाक चाइना इक्तिसादी राहदारी के हवाले से गवादर खुसूसी अहमियत का हामिल है। जियोग्राफियाई एतबार से बलूचिस्तान सेंट्रल एशिया तक रसाई का बेहतरीन जरिया है, जिसे वस्त एशिया ममालिक में एशियाई ममालिक। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाक चाइना इक्तिसादी राहदारी के हवाले से गवादर खुसूसी अहमियत का हामिल है। जियोग्राफियाई एतबार से बलूचिस्तान सेंट्रल एशिया तक रसाई का बेहतरीन जरिया है, जिसे वस्त एशियाई ममालिक के साथ मुआशी और तजारती मौके बढ़ाने के रोशन इम्कान हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि CPAC के पेश नज़र हमें नई नस्ल को जदीद महारतें सिखाने पर तवज्जो मरकूज़ करनी होगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गवर्नर हाउस क्वेटा में पार्लियामेंटेरियंस के साथ गुफ्तगू करते हुए किया। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद जहूर अहमद आगा ने कहा है कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम एक ऐसा किसान दोस्त मनसूबा है जिसकी तकमील से न सिर्फ ज़राअत को फ़रोग मिलेगा बल्कि इससे मजमूई तौर पर कौमी पैदावार में भी इजाफा होगा। मुल्क सूबे के गरीब काश्तकारों और ज़मींदारों को ग्रीन ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने से ज़राअत से वाबस्ता अफराद को ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की राह हमवार हो जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बलोचिस्तान ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के हवाले से मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब की शुरुआत से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीजाम कमाल खान, सूबाई वज़रा समेत सूबे भर के ज़मींदारों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। गवर्नर बलोचिस्तान ने कहा कि बलोचिस्तान में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह तश्वीशनाक हद तक गिर रही है। अगर बर वक्त डैम्स बनाने के लिए इकदाम ना उठाए गए तो लोग मुस्तकबिल करीब में नकल मकानी करने पर मजबूर हो जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीजाम कमाल खान की खुसूसी हिदायत पर कोरोना वायरस वबा की वजह से सूबे के माहीगीरों को दरपेश मौशी मसाइल के पेश नज़र माहीगीरी बोर्ड्स रजिस्ट्रेशन और तजदीदी फीस को 6 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है ताकि माहीगीरों को रिलीफ मिल सके। याद रहे कि चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान मदर नियाज राना के हालिया दौरे गवादर और पसनी के दौरान माहीगीरों के एक वफ्द ने चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान से दरख्वास्त की थी कि वो माहीगीरी के लिए रजिस्ट्रेशन और तजदीदी फीस मुलतवी कर दें, क्योंकि बलोचिस्तान के माहीगीर कोरोना वायरस वबा की वजह से सख्त मौशी बहरान का शिकार हैं। माहीगीर रजिस्ट्रेशन और तजदीदी फीस अदा नहीं कर सकते। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने कहा कि माहीगीरों की मुश्किलात का तदारुक करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान की तरफ से रजिस्ट्रेशन और तजदीदी फीस को 6 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर दाखिला मिर्ज़ौला लांगों ने क्वेटा समेत सूबे भर में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मॉनिटरिंग टीमें बाजारों, मार्केटों और दीगर मकामात की तसलसल के साथ चेकिंग करें। हुकूमती हिदायत के खिलाफ वर्जी पर कानून के तहत कार्रवाई की जाए। शहरियों की ज़िंदगी के तहफ़ के लिए हर ज़रूरी इकदाम पहले भी उठाया, आइंदा भी उठाएंगे। उन्होंने कहा SOPs पर अमल दरामद ना करने के बायस कोरोना केसों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। बेएहतियाती के बायस अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। शहरियों से अपील है कि वह हुकूमती हिदायत पर अमल करें। सूबाई वज़ीर माल वीर सलीम खोसा ने कहा है कि हमारी सूबाई हुकूमत तमाम शोबों में बेहतरी लाने और असलाहत लाने के लिए दिन रात कोशां है। हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि तमाम महकमों में भर्ती और फैसले मेरिट की ही बुनियाद पर हों। इस ज़मीन में कोई अकरबा परवरी और जानबदारी कबूल नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तमाम शोबों में मेरिट की पासदारी की है और सूबे की तारीख में पहली बार नायब तहसीलदारों की भर्तियाँ बजरिया बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन कराने का फैसला किया गया है, ताकि सूबे के अहल और काबिल बेरोज़गार नौजवानों को मेरिट पर ही भर्ती होने का मौका मिल सके।
सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर बलोचिस्तान अजीज अहमद जमालिक और WHO इस्लामाबाद की टीम ने मकरान डिवीजन में कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास में WHO इस्लामाबाद के टीम मेंबरान डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर नासिर अली भुट्टी समेत दीगर मावनीन ने शिरकत की। WHO इस्लामाबाद की टीम ने सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर बलोचिस्तान अजीज अहमद जमाली को तुर्बत और मकरान में डेल्टा वायरस के फैलाव के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि WHO ने 1 से 11 जुलाई और 15 से 31 जुलाई तक इन इलाकों में 2 टीमें मजकूरा इलाकों में भेजी हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनीस तारिक गुरगेज ने न्यू टाउन फैमिली पार्क में मानसून छजकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा लगाकर बाकायदा मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर महकमा जंगलात के फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर फिदा अहमद भी उनके हमराह थे। इस मौके पर ब्रीफिंग देते हुए फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर ने कहा कि मानसून मुहिम का बाकायदा आगाज हो गया है जो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक जारी रहेगा। इस हफ्ते के दौरान 1000 पौधे लोगों में तकसीम किए जाएंगे। 1000 पौधे मुख्तलिफ सरकारी अदारों को दिए जाएंगे जबकि इस मुहिम के दौरान 20,000 तमर के पौधे जिला भर के मुख्तलिफ साहिली इलाकों में लगाए जाएंगे। और पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान डायमंड जुबली क्वेटा ग्लैडिएटर्स वीमेन T20 क्रिकेट लीग 2021 के खिलाड़ियों के एजाज में एक सादा मगर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया है। तकरीब में सूबाई वज़रा अब्दुल खालिक हज़ारा समेत वीमेन T20 क्रिकेट लीग के खिलाड़ियों ने शिरकत की। सूबाई वजीर खेल और सकाफत अब्दुल खालिक हज़ारा और पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात मोहतरमा बुशरा रिंद ने तकरीब की शुरुआत से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला बलोचिस्तान मीजाम कमाल खान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत सूबे में सेहतमंद सरगर्मियों और ख़ासकर खेलों के फ़रोग के लिए पुरअज़म है। सूबे में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। अपने नौजवान नस्ल को मौके फराहम करने के लिए जामा हिकमत अमली के तहत इकदाम कर रहे हैं जिसके समरात से यूथ मुस्तफीद हो रही है। बलूचिस्तान में गुजरात रोज पंजगुर में चटकान के इलाके से घर के बाहर खेलने वाले 4 साल अब्दुल कदीर को नामालूम मोटरसाइकिल सवार अगवा करके ले गए। इलाका मकीनों ने मुलजमान का ताकुब किया तो मुलजमान ने बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाकर रोड के किनारे पर फेंक दिया जिसको जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। बाद में मकतूल बच्चे के वर्सा और इलाका मकीनों ने लाश के हमराह पंजगुर में एहतजाज किया और मुलजमान को गिरफ्तार करके करारवा के सजा देने का मुतालबा कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashriq.com.pk।